तो एक्चुअल ज्यादा एक तरफ से ही लगी हुई है, मुझे लग रहा है इसने गाने सुनते हुए मारी वैसे तो, अब बता नहीं रहा है डर के मारे। पानी भर के दर्द देख कितना बढ़िया लगेगा, अच्छा ही फील होगा, पता नहीं कितने लोग छकेंगे इससे। भैया ऑफ सीजन अंगूर कौन मंगा रहा, कोल्ड स्टोर के? नहीं मैंने नहीं मंगाया यार, कह रहे टाइम जब भूख लगेगी अभी जबरदस्ती ना भैया, बस भूख लगेगी तो ये भी जाइए पूरा, जब सामान दिखता रहे जब तो खाओ, जहाँ पेट भरे में भी, और जब फिर रात को फिर पेट कटा बैठा रहे। कल रात तो असली असली भूख महसूस करी मैंने, क्या हो, और अजय इतना झूठ बोल के गया मेरे से, मैंने कहा भैया मैगी है क्या जब खाना बनाने के बीच में, बस यहाँ देखे यूं नहीं देखो इतना बड़ा पैकेट रखा मैगी का, उसे पता ही नहीं कि मैगी के इतने बड़े पैकेट में 8 पैकेट भी आ जाए, उसने यहाँ देखा वो छोटे पैकेट, मना कर दिया मुझे, नहीं है मैगी तो नहीं है, चाय भी आने में माहिर है बस। देख मैं कोई चीज ना यहाँ पे ऐसी रखी हुई दिखा दूंगा जो बहुत टाइम से रखी है, उसका कोई यूज नहीं है। एक बात बता, ये कौन खा रहा है बता मुझे, क्या है यो? यो मैं डे वन से देख रहा जब से इस फ्लैट में मैं शिफ्ट हुआ, ये रेक है कुछ? अरे आंवले, तू कह रहा था आंवले मैंने रख रखे, बता कितने रखे हैं, ये भी कुछ सामान तो इतना बिना मतलब का है। यो रचित का वो है नमक खाता, रचित कुछ नहीं ला के रख लिया सड़ा दे उसे। मैं दिखाऊंगा तुझे इसके शौक फालतू के, ये लावे महंगी, मतलब अगर इसे तू सस्ती कॉफी पिला देना तो मुंह बनाओगा। अरे यो कम से कम कितने की, ये 225 रुपए की कॉफी लवर्स के लिए मुझे लगे तो। अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही नेस्कैफे के 1 रुपए वाले पैकेट वाला स्वाद, तुमने कॉफी में आज तक अलग स्वाद देखा गया यूं बता? हाँ वैसे इसमें अच्छा तो है स्वाद। अरे सेम है, और मैंने अगर यहाँ बिस्किट का खुला पैकेट देख लिया ना तो आज तुझे पता कौन मरने वाला मेरे हाथ से। ये तुम्हें लग रहा ना कि ये बहुत दिनों की सप्लाई है, रचित ना एक टाइम में खा जाएगा। अरे खत्ता कुछ नहीं, 2 खावे और बाकी पैकेट खुला रख दे बस, ये देख ले डस्टबिन में। आज तो है नहीं रचित यहाँ, तो आज उसकी पोल ऐसी खुल रही है, ये देखो एक बिस्किट ये तुम्हारी दादी के लिए रख रखे गए, वो आएगी वो खाएगी। हस्बैंड मटेरियल ने, अरे फिर यूं कहना भाई चींटी क्यों घुस गई, बहुत केयरलेस है वो, मतलब अगर हर्ष का तो केयरलेसनेस दिख जा वो तो छुपा दे अपनी जैसे वहां छुपा रखी, कम तो बेटे दोनों में से तुम कोई सा नहीं हो, एक तुम्हें जब भी हो सफेद लोअर पहन लो तभी सफाई का काम आए। ओ भाई और ये तो गुई उठ रहा, देख इसमें भी खुला पैकेट, मतलब नया मंगा लेगा पुराना खत्ता नहीं, कितने अफ्रीकन किड्स छक सके थे इसमें, पूरी एक ट्राइब चिक जाती। और रचित क्या करे कि 2 बिस्किट भी खाओगे ना तो फोन ऐसा रख देगा यहाँ, और उन्हें टाइम लैप्स लेंगे आगे रख देगा। बहुत कुछ हो गया ऐसा, देख इसमें मूंगफली है, इसमें मूंगफली है, और इतने बड़े पैकेट में मूंगफली है, खाई है कि नहीं, वेस्ट है, सर्दियों से रखी है। मैं एक दिन ऐसा फेंक करने लगा, मैंने कहा तो अजय भैया को दे दे पंगा, नहीं भाई ये खाने में डाल लिया, ये खुली रखी बताए क्या क्या बच रहा है इन्हें, ये तो चक 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 होगी मुंह में जाके, और इतना भी मैं ध्यान कर लू नहीं तो यहाँ तो थाले तो बैठे तो मैं तो चींटी खाऊंगी, इसे भी कपड़े साफ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, 2 मिनट कैमरा जिस पर भी लग जाए उसी की इसलिए सामने आ जाओ बस, ठीक है इतना तो बहुत है। दादी कहाँ है? बहुत बहुत ही हार्ड, दैट्स व्हाट शी सेड, तुझे तो कोई नहीं कहने। चल भाई एडिट करना, नहीं करना इतनी मेहनत से शूट करा। हाँ अंदर ज्यादा अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, तो एक्चुअल ज्यादा एक तरफ से ही लगी हुई है, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है इसने गाने सुनते हुए मारी वैसे तो, बता नहीं रहा है डर के मारे। ना ऐसा दिख तो नहीं रहा कैमरा पे, तो नहीं दिख रहा इतना कुछ नहीं दिख रहा, हो जाएगा तो बस, लेकिन अब तेरी वो ख्वाहिश पूरी होगी ना बम्पर बदलवाने की, इतनी भी नहीं थी कि इतना ही टूट जाएगी पूरे बदल जाए, कहना जो हुआ सो हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ना, फटाफट बदलो, बदले गाड़ी बदल के पोर्श मकेन दे दें तब मजा है, फटाफट बदलवा के आओ फिर चल रहे बाहर, कंबल भी ड्राई क्लीन पे दे दिया आज फाइनली, कंबल भी हमने गाड़ी में रख दिए, तो ये बदलवा के अपना फटाफट आओ, बता इंग्लिश वाइन सो पीछे ही यही तो है, पीछे पकड़ लो चाहे अगर सांठ गांठ हो तो दीवार पारी, इधर से प्लेन पैसे भेज दो पन्नी गैस, बताओ यही तो फन है, इस बार तो क्लेम वाले से लड़ लिया, वो ही है मर्दों मर्दों वाली फाइट होनी चाहिए, इस बार तो फैक्ट्स के साथ है, चले भाई, और इस बार नाइसली बिहेव नहीं करना है, मैं इस बार सीधा वो पहन के जाऊंगा ग्लव्स बॉक्सिंग वाले, स्टांस बना के खड़ा हो जाऊंगा और इंश्योरेंस वाले के सामने। मुझे पक्का पता है कि गाड़ी यही ठोक के लाया अपनी गलती से, तभी ये शांत है, जब से गाड़ी ठोक के लाया ना बिल्कुल शांत था, बस फोटो को जूम इन जूम आउट करके देख रहा था गाड़ी की, तभी मैंने देखी कि लगभग की गया, पहले मुझे लगा प्रैंक कर रहा है किसी और की अकेले रहे, पर अब मुझे यकीन है वो तो करण से मैं अकेले में पूछूंगा, किसी से मैं किसी ने
हमारी गाड़ी, मतलब कैसे लगी? मतलब अभी तो इसने कहा था कि बस वाला ऐसे ऐसे उल्टा सीधा करके चला रहा था, उसकी गलती थी और एकदम से लग गई फिर। पर मुझे ढाका अकेला जाता हुआ पता रहे कुछ ना कुछ कांड करेगा, इस बार तो नोटिस हो गया कांड, हर बार होता नहीं। हाँ पता नहीं, मैं हमेशा नहा के आके जैसे ही मैं कपड़े पहनता हूँ वैसे ही एकदम मैं व्लॉग बनाना क्यों स्टार्ट कर दूँ, मुझे आदत होगी इस चीज की। यही दीवार, यही मैं, ऐसे ही बाल बहा के उल्टे सीधे। बाल तो पता नहीं यार जब छोटे रहे बस तभी ठीक रहे, मेरे बड़े होते पता नहीं क्या हो जाए, नहीं तो पहले मैं ठीक ठाक बड़े बाल रखता था। अभी रे क्या कर रहा मैं देख लेता हूँ। और आज करण भी यही हमारे पास रुक रहा है, और बालियान भी नोएडा ही अपने मामा के आए हैं। कल सुबह हम सब लोग वो देखने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, पता नहीं पूरा नाम क्या है मुझे तो भाई बोला डॉक्टर स्ट्रेंज है। कल सुबह 11 बजे देखने जा रहे हैं और वहीं मिलेगा बालियान भी। अभी रात में देखते हैं क्या अच्छी ना लग रहे हैं। ये देखो करण क्या करे, एक न्यूज की लाइव स्ट्रीम में घुस रहा और यहाँ लड़कियों से सिंपिंग कर रहा था, फिर पता चला कि वे लड़के ही हैं लड़कियों वाली आईडी से। नहीं मैं तो शो देखू 9 बजे का यार। क्या देखा था तुमने आज शो पे? कुछ नहीं, वर्ल्ड की न्यूज देख रहा, रिसेशन की बात कर रही है आज। क्या एंकर को देख रहा? एंकर भी, हाँ एंकर को भी देखे हैं लोग यहाँ, लेकिन मैं तो न्यूज बढ़िया बताया। मतलब जो यार न्यूज बताओ कोई और नहीं बताता क्या? ना आज तो दिन काफी स्लो है, मतलब आज हमने काफी सारे काम कर दिए और 3-4 घंटे तो हमने आराम करा आराम से मेन चैनल की वीडियो डाल के कर रहे थे, तो लग नहीं रहे रील में, कल दिखा देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज का आज। अच्छा कल रील भी डाल रहा क्या? और यार रील तो मुझे ही बनानी, मेरे याद आया, मतलब रील का ऐसा सीन है बड़े क्रिएटर की, ये तो दिक्कत है मेरे में, रील का आइडिया है मैं इन सबसे शेयर कर चुका, करण तो बहुत ज्यादा वो आइडिया सुन के, तो मैं सोच रहा अभी जैसे टाइम मिलेगा शूट कर लूंगा, क्योंकि ट्रेंड से तो रिलेटेड है नहीं, वो जब भी डाल लेंगे वो फनी लगेगी। तो आज सोच रहा हूँ आज रात में कर लें शूट, फिर कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। हाँ उसके लिए एक बंदे की जरूरत है, वो जब मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि असल में कैसे बंदे की जरूरत थी हमें। ऐसा बंदा हो जिसकी इनका यूज ना हो शर्ट का। नंगा हो गया तेरी तरह? अभी 2 मिनट पहले रे यहाँ सामने बालकनी में खड़ी लड़की को देख रहा था, तो मैं क्या करूँ भाई, अभी इस टाइम तो बनियान में एक अंकल दिख रहे हैं मुझे सामने, दिख रहे क्या? इसने ढाका ने बालकनी इतनी बदनाम कर रखी, वे लड़कियां देख तो ही छुप जा, हमें किचन में भी नहीं आती, वे खाना बना स्विगी कर ले। तो जब काम करे पर्दे लगा ले, खड़ा कौन हो उधर सा बार बार जिसके हाथ में कैमरा? मैं नहीं उठता, मैं इस बालकनी में कच्चे सुखाने आऊं बस। अपनी बालकनी में सुखाओ, अपनी बालकनी तो ऐसी बना रखी VIP तुम्हारी है गंदी, यो तो इतने ना करवा, स्टैंड एक तरफ से झुक जाएगा, रहने दे। ढाका कल भाई वो इसलिए ढाका का कल से खड़ा हो जाऊं, ढाका का कल टावल अंडरवियर सब यहाँ पड़ा और वो यहीं बैठा, यूं कह रहा बहुत बढ़िया मौसम है, मैं गया पढ़ाई से देख लूं कि कोई नहीं अब तो गंदा हो गया धोए गई, तो मगर उठा के तो रख दे मेरे। मैंने उसे पता क्या कहा था? मैंने उसे कहा था अंधी आ रही भाई ये सब कपड़े उतार ले, चौधरी साहब तो लाए अपने तौलिया उतार के, चौधरी साहब यहाँ सुखते ही नहीं, अब बस अंडरवियर सुखा, वो भी 2 चिमटियों के साथ, प्रोटेक्शन इतना तगड़ा, साले स्टैंड उड़ जाएगा पर अंडरवियर यही रह जाएगा। नया होगा कल तूफान वाले तोलिया में पोछता हुआ होगा, वही है जिन तूफानों में लोगों के घर उजड़ जाते हैं ना, उसमें चोई साहब अपना कच्चा सुखाते हैं। क्या बात कही है, कच्ची बात थी, हर्ष के लिए होगी बात। नहीं मैं नहीं आता इस बालकनी में, इतनी गंदी बालकनी हमारे वाले, जाके देखो इस टाइम नंगे पैर भी आ जाएगा कोई, उसमें खड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ जाते नहीं ना हम। दो धागे साफ रखे हैं चोई साहब 2 घंटे देते हैं रोज सफाई को, जैसे तुम्हारा हाइजीन होगा वैसे ही तेज तुम्हारा दिमाग चलेगा, और बैठे रहो पादों की खुशबू में क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, मन भी नहीं करने का नेगेटिव एनर्जी। चोई साहब तो सुबह सुबह खुद नहाए ना नहाए घर को महंगा दे, बनी एक दुकान में अगरबत्ती खुशबू रहे तभी तो लक्ष्मी का वास है। ज्यादा सफाई करेगा तो ये कहना चाह रहा है ज्यादा साफ रहेगा, मैं जो हूँ जागरूक करूँ लोगों को सफाई के लिए। ठीक है, अब एक बार टंगे उठा दे अपनी, तू मेरे लिए करण आ जा भाई, करण को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, कच्ची उतार के आ जा। लोग यूं कहना दद्दी यार तेरी माँ वाले जो करण ने ही शुरू करे थे सबसे पहले, यहाँ से आए इस दिमाग से, करण ही मारा कर रहे थे दद्दी यार तेरी माँ वाले जो सारे, देख के यार कितना इनोसेंट सा लगा करण, लगता नहीं वो हमेशा से सही रहा, आगे चुप बैठ जाते हो हमारे विक्टिम रहा मेरा, टेस्ट सब्जेक्ट था मेरा ढाका भाई, ढाका को तो तेरी माँ इतने जोक मारा था भाई, डीट बना दिया था ढाका तो इसने, ढाका तो अपने चाचा को मुझे चेक करके मारूंगा एक दिन मिलवा दिया था मुझे कहाँ स्कूल के बाद, ढाका तंग आ गया था मेरे से यार, ढाका के सामने हो जाता है बात, तो ढाका जा रहा अभी जिम जा रहा, तो ढाका के तो कच्ची कच्ची खोल रहा, तो चुप हो गया होगा फिर कुछ काम नहीं करना, निकल ही गया हंसी हरी थी वो, तो इतने सारी बता दी थी क्या? हाँ ये बहुत परेशान हो गया था मेरे तो, मैं तुम चिढ़ावे कुछ कुछ कह यू कह रहा था बरसात के मौसम में तेरी दद्दी आवे यहाँ मोर नहीं बन गए नाचने, तो जैसे ही बारिश से का मौसम हो जाता है ना ढाका को पिघड़ चढ़ जाती नुको फिर कहेगा। गलत ही जोक थे भाई, बहुत गलत जोक थे, फिर तो ठीक हो गया था, फिर तो साल हंसा गया था 7वीं 8वीं के बाद, तो तब तक ही चिढ़ा, 6ठी 7वीं तक चिढ़ा वो, बहुत फिर तो उसका हेलमेट डेवलप कर दिया, फिर तो डीट हो गया था वो। हाँ तो भाई हो गई मॉर्निंग, अभी 45 मिनट हमारे शो
सो मैं, लेकिन मैं जल्दी निकलूंगा क्योंकि हमेशा हम लेट हो जाते हैं, निकल लेना चाहिए बल्कि हमें। और आज लेके जा रहे हैं निहाल की गाड़ी क्योंकि अपने वाली तो फिर चली गई 4-5 दिन को सर्विस पे। मैं, करण और रचित जा रहे हैं क्योंकि बालियान वही मिलेगा मामा के यहाँ से सीधा मॉल पे। और हर्ष दे रहा भाई कॉम्प्रोमाइज अपना, वैसे भी उसे व्लॉग एडिट करके अपलोड करना तो हम ही देख लेंगे। और क्या, ये देखो एज यूजुअल 10 बजे तक सो रहा, और इससे अभी मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही, तो ऐसा भी हो सकेगा किसी दिन सोते हुए मैं इसके नाक में रुई दे दूं और खत्म कर दूं। सुनना था क्या? तो मेरा प्लान, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोन है यहाँ पे, कभी तो ये तेरा ड्रीम फोन कभी जरूर रहा होगा अपने एंड्रॉइड वाले डेज में या अपने कॉलेज डेज में, पोको फोन। ये जब आया था सबने सोचा था कि यार मैं भी लूँ। जब मैं XR लेने वाला था ना, हाँ, मेरे लक्ष्य लगा था कि आईफोन ले ले। पहले मेरे पास था वो नोकिया का वो छोटा सा, तो मैं सोच रहा था यार मेरे पास 20,000 रुपए है तो मैं कोई MI का ले ले रहा। सोते उठते क्या बात पूछनी शुरू कर दी ऐसा लग रहा है मरने वाला, वो अपने आखिरी शब्द बोल रहा हूँ। शायद एक दिन उठा था भाई। अच्छा एक बार टाइम गैस कर, फिर नहीं उठा। टाइम गैस कर एक बार, तुम्हारी टिकट भी तो थी। 11 तो बजे नहीं होंगे, 9:46 है। सोया किस टाइम था तू? 5 बजे था। 5 बजे सोए मैंने से एसी बंद करवाया जब दिन निकल गया था। मैं एक घंटा सोच रहा था स्टूडियो में। वीडियो कोई है नहीं प्रोजेक्ट अभी तेरा अपकमिंग, तो फिर क्या कर रहा था स्टूडियो में? रील करी भाई कल रात बैठ के। 15 सेकंड की रील में लगा रहा 15 घंटे स्टॉक मार्केट में लगा, देख ग्राफ ऊपर नीचे करने में। भाई मान जा भाई, तुम मुझे क्या इन्फ्लुएंस कर रहे करने के? तू क्यों करने लगे ये हरकतें बिना कहीं? इसे बीच में रियलाइजेशन हुआ ये हरकतें करते हुए कि ये गलत है, पहले कर दे फ्लो फ्लो में कुछ भी कर दे, नहा भी देगा कैमरा पे। 2 मिनट कंप्लीट हुई थी भाई, ठीक है सूर्या साथ के साथ लग रहे हैं। और क्या नहीं, साथ के साथ रिकॉर्ड करो, साथ के साथ उसे ड्रॉप करके कट मार दो, सबसे बढ़िया तो यही है। हाँ यार साथ के साथ शूट करो, साथ के साथ। अजय भैया छोंक मार रहे तो बोलना नहीं जरा। डोंट बी लाइक हिम, जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें तो अपनी लाइट जरूर जला लें, और वो सब मुझे छोड़ के चले गए। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने उनके साथ मूवी का प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। वो ये डूफिश मर्क की तरह की शहर को तबाह करने के लिए अब मैं कौन सा इनेटर बनाऊँ, आज वही सोचूंगा मैं खेलने में बैठ के। अभी तो वो गुटके वाला चल रहा होगा कि गुटका ना खाओ वरना ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, और इतना डार आपको बीमार और बीमार बनाने के लिए काफी है। Oh yeah? But can you do this?